नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक फिल्म के बारे में जिसका नाम है बुलबुले। वैसे तो ये फिल्म कोई थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई है, अपने किसी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ कराया है उन्होंने। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है उनका नाम है मनप्रीत सिंह धामी। अब दोस्तों, इस फिल्म को देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन बनता है उसको मैं अगर आपको बताऊँ तो वन ऑफ द मोस्ट हार्ट हिटिंग मूवी आई हैव एवर सीन। मतलब कि कश्मीर फाइल के बाद कोई ऐसी हार्ड हिटिंग मूवी होती है ना जो दिल पर उतर गई, ये फिल्म थी। दोस्तों, फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो इस फिल्म में एक प्रकार की आप डिबेट समझ लीजिए, फिल्म में डिबेट बताई गई है कि एक मुस्लिम पक्ष होता है और एक सिख व्यक्ति होता है। एक मुस्लिम पक्ष का जो मेंबर होता है उसका नाम होता है इरफान और एक सिख व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है हरप्रीत। दोनों दोस्त होते हैं और 5 साल के बाद एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। अभी इसी बीच में वो लोग अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, भाई कैसे हम बचपन में ये खेला करते थे फलाना मलाना, और ये सब फिल्म में बताया गया है। इसी बीच में उन दोनों के बीच में एक डिबेट होती है कि जो इरफान होता है वो जैसे हरप्रीत को बताता है कि यार आजकल की जो सरकार है उनकी वजह से हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके खिलाफ बहुत सारी साजिशें होती है, हमें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, हमारी गलत इमेज मीडिया में दिखाई जा रही है। तो ये सब अपने दुख बयान करता है कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है। उसी के बीच में जो हरप्रीत होता है वो सिख होता है, लेकिन वो हिंदू के बारे में बताता है कि भाई कैसे फैक्ट है, कैसे तुम्हारी इमेज है वो गलत नहीं दिखाई गई है। जिस तरह की इमेज पोर्ट्रे हो रही है अभी तक, हम कितने पिछले एग्जांपल ले लीजिए, उस तरह से ही आपकी इमेज बताई जा रही है, कोई गलत इमेज नहीं बताई जा रही है, वैसे करा के फैक्ट इस फिल्म में बताए गए हैं। दोस्तों, इस फिल्म में कुछ डायलॉग तो बहुत ही हार्ड हिटिंग है। जैसे वो इरफान पूछता है कि हम मुस्लिम होने की वजह से हमको टेररिस्ट दिखाया जा रहा है, उसी के जवाब में हरप्रीत जवाब देता है कि सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से आपको टेररिस्ट नहीं दिखाया जा रहा है, अभी तक के जो भी टेररिस्ट अटैक हैं, किस तरह की इमेज आपकी पोर्ट्रे हो रही है, किस तरह से लोगों का परसेप्शन बन रहा है, उस हिसाब से ये चीज़ दिखाई जा रही है और कोई गलत चीज़ नहीं दिखाई जा रही है, पूरे फैक्ट के साथ उस व्यक्ति को दिखाया जा रहा है। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है उनको ये लगता है कि यार सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से उसको टेररिस्ट दिखाया जा रहा है, जो ये कहीं से भी सही नहीं है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें उनके बीच में डिबेट में होती है जो अगर आप ध्यान से सुनोगे और आपको अगर इसके बारे में पता होगा तो आपको ये फिल्म दिल में उतर जाएगी। मतलब मुझे तो इतनी हार्ड मूवी लगी है, इसके जो डायलॉग्स थे, इसके जो डिबेट थे, जिस प्रकार से हरप्रीत उसको जवाब दे रहा है कि भाई किस तरह से आपको ऐसे माइनॉरिटी दिखाई जा रही है, पाकिस्तान में हम हिंदुओं को दिखाई होगा 20-30% हिंदुओं थे, आज मुश्किल से 2% से भी कम है, 2% तो मैं ज़्यादा बोल गया, 1% से भी कम है हिंदू पाकिस्तान में, कहाँ गए ये सब हिंदू, ऐसा तो नहीं है कि छोड़ के चले गए, किस तरह से कन्वर्जन हो रहा है, किस तरह से कन्वर्जन ये लोग कन्वर्जन के लिए ये लोग फंडिंग कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, भाई कन्वर्ट हो जाइए मुस्लिम के लिए। एक फिल्म में सीन भी आता है कि इरफान बोलता है भाई मुझे एक हिंदू लड़की से प्यार था लेकिन मुझे उसका कन्वर्जन करवाना ना था, मतलब उस हिंदू लड़की ने मना बोल दिया कन्वर्जन के लिए, नहीं तो हमारी शादी हो जाती, ऐसा इस फिल्म में दिखाया गया। तो बहुत ही हार्ड हिटिंग चीज़ दिखाई गई है। अभी दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म में कोई भी कॉमेडी सीन नहीं है, कोई भी जोक्स नहीं है, कोई भी मेलोड्रामा नहीं है, कोई भी गाने नहीं है, कोई भी फालतू के चीज़ नहीं डाली गई है, सिर्फ और सिर्फ डिबेट बताई गई है कि मुस्लिम पक्ष अपनी डिबेट रख रहा है और उसी के जवाब में जो हरप्रीत होता है वो हिंदू की तरफ से डिबेट चल रहा है, जो डिबेट सुनने में बहुत ही बेहतरीन लगती है। मतलब जिसको ये डिबेट के बारे में पता है, रियल में अंदर से वो राष्ट्रभक्ति करना चाहता है, जिसको ये सब चीज़ पता है, जो सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते रहते हैं, जो भी माइनॉरिटी के बारे में बात करते हैं, उनके लिए फिल्म बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। लेकिन जिसको बोलता है भाई मैं सिर्फ फिल्म के लिए तरह देखता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या प्रोपोगंडा चला रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदुओं को कैसे दिखा रहे हैं, मुझे ये सबसे कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए ये फिल्म नहीं है। उनको ये फिल्म बोरिंग लग सकती है, उनको ये फिल्म ऐसा लगता है कि भाई क्या दिखा रहा है फिल्म में, पूरी फिल्म में बस बातें कर रहे हैं, ऐसा उनको ये लगेगा। लेकिन जिसको इनके बारे में पता है उसको लिए ये फिल्म एकदम हार्ड हिटिंग मूवी लग सकती है। सबसे बेहतरीन बात इस मूवी की दोस्तों कि ये फिल्म सिर्फ 1.5 घंटे की मूवी है, इससे बड़ी फिल्म नहीं है, तो टू द पॉइंट मूवी है। शुरुआत के 10 मिनट के अंदर पे ही ये अपनी फिल्म अपने मुद्दे पे आ जाती है, तो ये सबसे अच्छी बात लगती है इस मूवी की। अभी दोस्तों, इस फिल्म के बारे में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोगों को पता है, क्योंकि कोई भी OTT वाले इस फिल्म को रिलीज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि जो मनप्रीत सिंह धामी है वो OTT के पास गए नहीं है, क्योंकि OTT चैनल पर कई कबार प्रेशर आता है कि भाई आप ऐसे मत दिखाइए, मुगलों को ऐसे मत दिखाइए, फिर ब्रिटिशर को ऐसे मत दिखाइए, या फिर इस धर्म को ऐसे मत दिखाइए, अगर आप इस धर्म को ऐसे दिखाना चाहते हैं तो आपको अपने धर्म के भी इस तरह से दिखाना चाहेगा, तो बहुत सारा प्रेशर होता है। तो मनप्रीत सिंह धामी ने बोला कि मैं किसी कोई भी OTT चैनल पर नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बनता है, तो मैं अपने ही वो उस चैनल पर डालूँगा, उस पर शायद 100 रुपये दे के आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हो और ये मूवी देख सकते हो। तो बहुत कुछ बातें हैं इस फिल्म में सीखने लायक है, जो भी डिबेट है वो सीखने लायक है, तो कहीं ना कहीं आप इस फिल्म से जुड़ सकते हो। कैसे उनके जो लीडर होते हैं वो उनको ब्रेन वॉश करते हैं, वो सीन भी उस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे कैसे उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी से उनको पिछड़ा हुआ रखा जाता है कि ताकि वो लोग यूज़ ना कर सकें, फिर अपने ही लोग यूज़ करने लग जाते हैं,
अपने ही जो लीडर होते हैं वो खुद ही यूज़ करते हैं, पहले मना बोलते हैं फिर यूज़ करने लग जाते हैं, तो इस फिल्म में अच्छी खासी तरीके से दिखाया गया है। और लास्ट में जो सीन था वो भी बहुत ही अच्छा था, मतलब कि जिहाद का भी सीन दिखाया गया कि जिहाद मतलब क्या होता है, वो भी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो फिल्म की ये सब अच्छी बातें ही दिखाई गई है। तो दोस्तों मुझे तो फिल्म बहुत ही बढ़िया लगी, मतलब इस फिल्म में ऐसा नहीं है कि कोई भी एंटरटेनमेंट या कोई भी कैरेक्टर की नज़रिए से फिल्म नहीं है, मतलब एक प्रकार की आप डिबेट समझ लीजिए, वो पक्ष अपना सवाल रख रहे हैं और ये पक्ष अपने जवाब रख रहे हैं, तो इस प्रकार से पूरी मूवी को दिखाया गया है। तो मुझे तो बेहतरीन मूवी लगी और मैं आप सभी लोगों को भी रिकमेंड करूँगा और हर इंडियन को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों मैं बुलबुल को दूंगा 8 out of 10 stars। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा, और अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपके इस फिल्म के बारे में क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।